बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइव विद डॉटर्स, वेलकम टू अ न्यू डे। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरे सब बहन भाई ठीक होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक अलग अलग शुक्र है, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। बच्चे जो है वो इस वक्त स्कूल से आए हुए हैं और फिल्टर पी रहे हैं, अभी इनको नहलाना है। तो फिर मैं इनका यूनिफॉर्म उतारूँगी कि पानी बाहर गर्म करने रखना है, मैंने गैस आई हुई है ना, तो फिर इनको मैंने कहा साथ में नहला दूँ। लेकिन अभी मैंने कहा चलो पहले वीडियो तो स्टार्ट कर लें, फिर लेट ना हो जाए कहीं हम अभी। तो मैं भाई रोटियाँ बनाने लगी थी साथ में, मैंने कहा चलो रोटियाँ बना लें। हिबा जो है वो आज सबसे पहले फ्रेश हो चुकी है, इसलिए वो खेल रही है। देखें 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 हिबा की खुशियाँ, हिबा की खुशियाँ चेक करें, हिबा की खुशियाँ। ओ कि जाओगे नीचे पटाखा पड़ जाना है। कहते पापा आ गए हैं, पापा। ओ ये तो कोई बेबी था, चलो जाओ खेलो जाके। तो अभी जो है वो मैं भाई रोटियाँ बनाने लगी हूँ, और आज हम किसके साथ रोटी खाएंगे मैं आपको चेक करवाती हूँ। टंटना इसको कहते हैं साग, आज साग को तड़का लगाया है मेरी सासू माँ ने खुद, तो देखते हैं आज साग कैसा बना है। तो अभी मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ साथ में, और साथ में हम साग के साथ आज रोटी खाएंगे। और इधर बर्तन जो है वो मैंने कुछ धो लिए, कुछ धोने वाले हैं, और अभी पानी जो है वो मैंने रखना है ऊपर, क्योंकि अम्मी वॉशरूम में है नहा रही हैं। आज जो है ना वीडियो जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाएंगे, हम जाएंगे इंशाल्लाह आज बाहर, क्योंकि आपको पता है आज जो है ना वो मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो एज़ यूजुअल सबके घरों में मंथ के स्टार्ट में राशन आता है, तो आज हमने ना जाना है राशन ख़रीदने। तो चलते हैं अभी, पहले जो है वो थोड़ा सा खाना वगैरह खा लें और फिर चलते हैं। तो जी हम जा रहे हैं, और ऐनक मेरे पास नहीं है क्योंकि हिबा ने मेरी ऐनक जो है ना वो तोड़ दी है, पुर्जा पुर्जा करती है इस बच्ची ने मेरी ऐनक। कल खेल रही थी उसके साथ, तो कभी उतारती थी कभी लगाती थी, मेरे आँखों से उतार के बाद में खुद लगाने की कोशिश कर रही थी, तो बाद में पता नहीं क्या गुस्सा आया, पकड़ के उसको दो हिस्से कर दिया। तो अभी हम जा रहे हैं, मौसम जो है वो आपको पता है हमारे पंजाब में ना ये स्मोग आई हुई है, और पूरा इलाका जो है ना वो इसी गिरफ्त में है। ऐसा लगता है जैसे धुंध है, बादल है, बादल नहीं है, लेकिन ये ना अजीब सा मौसम है, सो जल्दी से अंधेरा होने की तैयारी हो जाती है। अभी हम चलते हैं, इनको पहले ना ट्यूशन छोड़ना है, उसके बाद हम लोग जाएंगे। हम लोग जी आ चुके हैं, हाँ जी काले मिर्चा ने हाँ तो हमने राशन लेना शुरू कर दिया, और क्योंकि कहीं का उठाया हुआ मैंने तो सामान ही उठाया है, नमक भी लेना है। अगे अगे कर लो ना, अगे अगे भी चीज़ें हैं, गरम मसाला भी है नहीं अपना। हम लोग जो है ना यहीं पे आते हैं, क्योंकि ये यूटिलिटी स्टोर है, तो यहाँ से ही हम चीज़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ी जो है वो सस्ती मिल जाती है। केड़ी जीरा, ये जीरा है, मेथी तो वो पी गई मेथी लैनी, दालचीनी ले लेना, जीरा फिर बिच पा के पीस लाँगे। नहीं जीरा सेपरेट भी रखना है, सुखा धनिया भी है, मिक्स मसाला भी है अगर लेना, तो देखो सौंफ भी है जी यार की, वो देखो सौंफ अम्मी जब लेके जा रहे हैं ट्रॉली। इतने है वह चिली सॉस, मैक्रोनी भी है बच्चों के खाने पीने वाली चीज़ भी, साबुन ले लो, और ये चीज़ है टेस्ट हैप्पीनेस ऑरेंज, पता नहीं क्या है, चने भी हैं, चावल भी हैं, साबुन हाँ देख लो आप पूरा सरफ की लगे हुए असी लेके जाना सरफ वाला एरिया, शैम्पू शैम्पू तो लेना कोई नहीं, पॉलिश चाहिए बच्चों वास्ते, छोटी जी है 150 दी, 150 दी इतनी की जितनी है। यहाँ पे
साबुन साबुन भी लगे हुए हैं। ये जो है ना छोटा सा हमारे पास यूटिलिटी स्टोर है जिसमें कुछ कुछ जो है ना वो कम प्राइस पे चीज़ मिलती है, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ। यहाँ पे घी जो है ना वो सस्ता आता है, वरना जो है वो घी बहुत महंगा है, यहाँ पे सस्ता आता है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए। मंथली ग्रोसरी हमारी यहाँ से इसलिए होती है। ये बच्चों के लिए चीज़ें भी हैं यहाँ पे, और अभी अम्मी जो है वहाँ पे पैकिंग करवा रही हैं। ये है जी यूटिलिटी स्टोर, यहाँ पे अम्मी बैठी मेरा वेट कर रही हैं। मैं वो सामने बैंक में गई थी तो अभी हम जाने लगे हैं घर, क्योंकि हमने ले लिया राशन। हमारी मंथ की ग्रोसरी आ चुकी है, ये सारी हमारी मंथ की ग्रोसरी है जी। अभी इसको हमने ना रखना है इनकी इनकी अपनी अपनी जगहों पे। तो वो अभी आए थे, हम लोग थक बहुत ज़्यादा गए थे तो नमाज भी असर की कज़ा हो रही है, तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लें। नमाज़ पढ़ने लगे भी कुछ भी समेटा नहीं है। तो ये एक लिस्ट जो है ना ये है, और एक मेरे वाली जो है ना मुझे लगता है वो गुम गई है कहीं, क्योंकि हम दोनों के आईडी कार्ड पे, अम्मी और मेरे आईडी कार्ड पे हमें राशन मिला था, तो पता नहीं वो कहीं रखा ही नहीं उसने इसके अंदर। मैंने हिबा को उठाया हुआ था ना, इसलिए थोड़ा मुझे मसला हुआ। और हुदा को ना आज गिफ्ट मिलना है, हुदा की हौसला अफजाई करनी है। उसके पापा ने बोला है कि हुदा ने नमाज पढ़ी है माशाल्लाह से कल, और आज भी पढ़ी है, तो इसलिए हुदा को ना इसकी हौसला अफजाई करने के लिए गिफ्ट मिलना है। अभी वो गिफ्ट लेके आना है बाहर, तो अभी देखते हैं जाते हैं कि वो पैक हुआ है। तो जी ये वाटर कलर हैं जो हुदा को ना एज अ गिफ्ट मिलेंगे। हुदा किस लिए गिफ्ट है? हुदा ने नमाज पढ़ी है इसलिए इसकी हौसला अफजाई करनी। इसको जो है ना अब देनी है वाटर कलर एज अ गिफ्ट, क्योंकि इसने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने की हौसला अफजाई। अम्मी को कहते हैं इसको दे जाओ, दादा के पास जाओ, उधर जाओ, उधर से, उधर से। हेलो अम्मी जी, इन्हू गिफ्ट दो। हाँ जी, हुदा ने नमाज पढ़ी थी ना कल, कल माशाल्लाह इसने तीन नमाजें पढ़ी थी। अब हुदा ऐसे ही नमाजें पढ़ा करनी है आपने, ठीक है ना? हाँ, नमाज पढ़ा करनी। हाँ जी, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि पापा खैर करिए ऐसे घर आ जाए, ठीक है ना? अल्लाह ताला बच्चों की दुआएं जल्दी सुनते हैं, ठीक है? हाँ जी, बच्चों की ज्यादा जल्दी सुनते हैं ना। तो यहाँ पे अब करते हैं हम अपने व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। आई होप आपको हमारा छोटा सा ये व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।